मोहब्बत बेशुमार है, ये प्यार है उन शब्दों से, ये प्यार है उन शब्दों से, शब्दों पर खींची गई लकीरों से, उन पर उकेरी हुई मात्राओं से, उनसे लिखी गई तकदीरों से। इस प्यार में शिक्षा और दीक्षा तो होती है, इस प्यार में शिक्षा और दीक्षा तो होती है, पर इस प्यार में कोई अग्नि परीक्षा नहीं होती। यहाँ शब्दों का, यहाँ शब्दों का शब्दों से परिणय होने पर छंद बनते हैं, गन मिल जाए थोड़ी भावनाएं तो गीतों के बंद बनते हैं। जो थोड़ा ज्ञान का मिश्रण, जो हो थोड़ा ज्ञान का मिश्रण, तो धर्म ग्रंथ बनते हैं, कर्म ग्रंथों का अनुसरण हमें से अनंत बनते हैं। ये प्यार है, ये प्यार है हमें नीति के दोहों से, जीवन के अनुभवों से निकले शुभाषितानी के बोलों से। चाहे वो प्रेमचंद की पंच परमेश्वर की कथाएं, चाहे वो प्रेमचंद की पंच परमेश्वर की कथाएं, या वो परम पवित्र वेदों की रचनाएं, चाहे वो तुलसी व्यास दिनकर, चाहे वो तुलसी व्यास दिनकर, सुभद्रा महादेवी या भास्कर, ये प्यार है, ये प्यार है उन लयों और तानसेन की तानों से, ये प्यार है उन लयों और तानसेन की तानों से, ये है प्यार सत्तर के दशक वाले, ये है प्यार सत्तर के दशक वाले हिंदी सिनेमा की तरानों से। यह प्यार, यह प्यार कबूतर द्वारा भेजे गए उन प्रेम पत्र के अफसानों से, ये प्यार है लता मंगेशकर और आशा जी के गानों से। इस प्यार में समा है, इस प्यार में समा है काव्य रस छंद और अलंकार है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही तो हम लेखकों का प्यार है। यह है इश्क सूफियाना, यह है इश्क सूफियाना, इश्क उन मत्तों से, भावनाओं में सराबोर गजलों से, उन गजलों के मत्तों से, शब्दों के नोतियों से पिरोई गई उन नज़्मों से। प्यार है सूरदास संत कबीर से, है इश्क काले मोमिन वीर से। हमें इश्क उन शायर से नहीं, हमें इश्क उस शायर से नहीं, बल्कि है उसकी शायरी से, ये राबता उन जनाब से नहीं, वरन है उनकी डायरी से। मोहब्बत
यहाँ याद आते हैं गोपाल दास नीरज जी का एक और काव्य, वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, माना होना भाग्य है कभी होना सौभाग्य। तो जब उस सौभाग्य को हम फील करते हैं तब ऐसा कुछ लिखा जाता है कि मोहब्बत है उस तरन्नुम में भरे रोमांच से, है मोहब्बत काव्य पाठ करने मेरे इस मंच से। बस यही हम लेखकों की मोहब्बत है, बस यही हम लेखकों की मोहब्बत है, ज्यादा कुछ नहीं पसंद हमें, अब ज्यादा कुछ नहीं पसंद शब्दों की तो चाहत है। एक लेखक की मोहब्बत होती है उसकी कविता और उसकी गीत, हम लेखकों की मोहब्बत होती है हमारी कविता और हमारी गीत, एक लेखक की उसका लेखन ही तो है सच्चा में। हमें कुछ नहीं बस चाहिए पेन डायरी और एक चाय की प्याली, हुजूर जो ये सब ना हो तो लेखक की जिंदगी है अधूरी। इसमें ब्रेकअप पैचअप के झंझटों से दूरी है, लेखक की मोहब्बत है जनाब, इसमें पूरी मगरूर।